देखिए, कक्षा 8वीं का गणित का सवाल दिया, प्रश्नावली है 2.2 और प्रश्न संख्या है आपका 6। 6 में यहाँ पे बोल रहा, बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपए एवं 5 रुपए के 160 सिक्के हैं, ठीक है, जिनका कुल मूल्य 300 रुपये है, ठीक है। यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 रुपया, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के बता रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिक्कों की संख्या कुल जोड़कर, यानी कि तीनों का, 1, 2 और 5 रुपए का, तीनों का जोड़कर यहाँ पे बता रहा 160 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या नहीं पता है कितना है, और ना ही 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पता है कि कितना है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हमें पता नहीं है, इसलिए मान लेंगे कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है, x मान लेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पे बोल रहा है यदि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो, यानी कि 3 गुना हो, तो यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x माने हैं, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से तिगुनी हो जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो 2 का 2 इसका हो जाएगा 3 गुने x, यानी कि 3x, ठीक है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 3 गुना हो जाएगा इससे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से, तो इसका लिखेंगे 3x, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर लिखेंगे यहाँ पे, तब 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, तब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कुल सिक्का कितना दिया है, 160, तो लिखेंगे 160, उसके बाद माइनस का चिन्ह देंगे, यानी घटा देंगे, किस में घटाएंगे, ये x है 5 रुपये का, तो x लिखेंगे, फिर प्लस 3x, 160 को घटा देंगे x प्लस 3x में, तो 160 का 160 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, x और 3x को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, यानी कि इसको इसमें घटा देंगे। तो अब देखिए, अब इसको हम प्रश्न से हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, तो 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x को लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह देकर, ये 3x है इसको लिख लेंगे 3x, फिर उसके बाद प्लस, फिर ये x है इसको लिख लेंगे x, बराबर में लिखेंगे 300, क्योंकि इन तीनों का 1, 2 और 5 रुपए के, यानी कि इन तीनों का मूल्य कितना दिया है, 300 रुपया, तो यहाँ पे 300 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखिए,
160 माइनस 4 एक्स है, ये किसका है? 1 रुपये सिक्कों की संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे। 1 × 160 माइनस 4 एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर ये 3 एक्स है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या है 3 एक्स, तो इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 × 3 एक्स, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स किसका है, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है, ठीक है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे, यानी 5 × 1 एक्स, ठीक है, बराबर का चिन्ह देकर 300 लिख लेंगे। अब हमें करना क्या है, इनको हल करना है, तो 1 को 160 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 160, फिर 1 को माइनस का चिन्ह यहाँ पे है तो माइनस का चिन्ह, 1 को 4x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, या 1 को -4x में करेंगे तो -4x आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 2 को 3x में तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5 को x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, बराबर का चिन्ह देकर 300 लिख लेंगे। अब हमें करना ये है हमें कि जो चर है उसको एक जगह लिख लेंगे, ठीक है, तो 6x और 5x इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 11x, उसके बाद ये -4x है तो -4x को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद बराबर का चिन्ह देकर 300 है तो 300 को लिख लेंगे इसको, फिर ये है प्लस का 160 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 160, अब 11x में से 4x को घटा देंगे तो आएगा कितना, आ जाएगा आपको 7x, बराबर 300 में से 160 को घटा देंगे तो 0 का 0, 0 में से 6 नहीं जाएगा, 10 में 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 7x बराबर 140। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x का x लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 140 से तो 140, ये 7 क्या है, गुना में है, 7x इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 7, इसको कटा देंगे, 7 × 7 और 7 × 2 = 14, 0 का 0, 1 को 20 में भाग करेंगे तो आ जाएगा कितना, 20, तो x का मान निकल कर आया कितना, 20, तो x का मान कितना निकल कर आया, 20 आया, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर कितना आया, x का मान 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 20। अब हमें ज्ञात करना है 2 रुपए का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए का हम यहाँ पे कितना लिखे थे, यहाँ पे देख लीजिए 3x लिखे थे, तो 3x गुना में है, 3 गुना में है, तो 3 × x का मान 20 है, तो इसका लिख लेंगे 20, बराबर हो जाएगा 60, ठीक है, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगा कितना, 60। अब 1 रुपया का निकालेंगे तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, तो 1 रुपया का कितना है यहाँ पे, 160 यहाँ पे है, 160 माइनस 4x, ठीक है, तो इसका यहाँ पे लिख लेंगे 160 माइनस 4x, तो 160 का 160 हो जाएगा, माइनस का माइनस 4x है तो 4 का 4, x का मान 20 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 × 20, फिर इसको हल करेंगे, 160 का 160 माइनस 20 = 80,
इसको घटा देंगे 160 में से 80 को, तो आएगा 80। तो इस प्रकार 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना आया? 80 आया। ये हो गया आपका आंसर।